वैक्सीन, ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना, ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना, तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। आजमगढ़ में महान हिंदू सम्राट, 11वीं सदी में जिन्होंने एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह रौंदने का कार्य किया था, सालार मसूद गाजी को महाराज सुहेल देव के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इसी नए सत्र में वहां पर हम लोग क्लासेस प्रारंभ करेंगे। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको गरीबों से, गांव से, महिलाओं से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता, गरीब के पास मकान न था। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आसम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी, तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। लेकिन ये हमें स्वीकार्य नहीं था, उस अत्याचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है, आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। आजमगढ़ के नौजवान आजमगढ़ के बाहर जाते थे, पहचान का संकट खड़ा हो गया था, कोई धर्मशाला में कमरा नहीं देता था, होटल में आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग कह देते भैया यहां कमरा नहीं, रूम खाली नहीं। भाइयों बहनों, ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? ये पहचान का संकट उन्हीं लोगों ने किया था जिन लोगों ने कोरोना कालखंड में आजमगढ़ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में जनता की हालचाल ले रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जा रहा था, आजमगढ़ में भी तीन बार मैं कोरोना के दौरान आया था देखभाल करने के लिए कि यहां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था है या नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे, लेकिन
आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था, उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था, और जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन, जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, जिस वैक्सीन ने देश के अंदर अब तक 11 करोड़ लोगों को सुरक्षा का कवच, 111 करोड़ लोगों को सुरक्षा, 125 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन अब तक सुरक्षा कवच दे रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं, वह वैक्सीन उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि वैक्सीन, ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अति वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी, नहीं तो झूठ पे झूठ बोल करके जैसे आजमगढ़ के लोगों को धोखा दे रहे थे, प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय, मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था, यानी ये सब काम सिफई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे, और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दोरी घाट से होते हुए जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए भी 4 लेन और वाराणसी के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और आजमगढ़ को देश के अंदर अलग अलग जगहों से वायु सेवा से जोड़ने के लिए भी एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को भी हमारी सरकार ने तैयार कर लिया है। बहुत शीघ्र आजमगढ़ का एयरपोर्ट जब प्रारंभ होगा, तो आजमगढ़ के जो लोग मुंबई में कार्य करते हैं, आजमगढ़ के जो लोग कोलकाता में कार्य करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, 1 घंटे में मुंबई से आजमगढ़ आ जाएंगे, 1 घंटे में आजमगढ़ से मुंबई चले जाएंगे, दूरी कम हो जाएगी, और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा, ये सपना भी साकार किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, सपा तो नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी तो नहीं की इसमें से कोई भी काम, क्योंकि कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं था। उनके लिए लगता था कि अपने कुनबे का, अपने परिवार का विकास कर लेंगे तो यही प्रदेश है,
और हमारे लिए जब प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही हमारे लिए परिवार है। यही अंतर है। याद करिए भाइयों बहनों, ये लोग मौन रहते थे तब जब इस आजमगढ़ में, याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सिवनी नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी। 2 महीने तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो पाई थी और तब मैं गोरखपुर का सांसद था, तब सांसद के रूप में मैं यहां आया था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र जिसमें ऊर्जा है, प्रतिभा है, आजमगढ़ का नौजवान जो मुंबई गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया, उसने समृद्धि की नई ऊंचाइयों में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर ले, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर ले। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं ये अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, इन्हीं को ज्यादा पीड़ा होती है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको गरीबों से, गांव से, महिलाओं से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक, सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए? तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? हर गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया? हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया? और कोरोना के दौरान भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो 2020 में भी 8 महीने तक और 2021 में मई से लेकर के और भाइयों बहनों होली तक, यानी 2021 के 22 के होली तक फ्री में राशन सबको मिलेगा, एक नहीं दो दो बार मिलेगा, हर महीने 2 बार राशन। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और हमने तय किया है दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। और हर कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार भी उपलब्ध करवाएगी। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है।